नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कारक्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्सोन एक्सजेड प्लस वेरिएंट की। हमारे काफ़ी व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि हम एक डिटेल्ड वॉक अराउंड लेके आएँ इस वेरिएंट का, तो आज कंप्लीट डिटेल्स हम कवर करेंगे और क्या फीचर्स आपको मिलेंगे इस वेरिएंट में वो भी कवर करेंगे, और साथ ही इसका जो टॉप वेरिएंट आता है एक्सजेड प्लस ऑप्शनल उसमें और एक्सजेड प्लस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे उनकी बात भी हम करेंगे वीडियो के एंड में। तो अगर आप जानना चाहते हैं सभी फीचर्स तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आप सर्च आउट कीजिए कारक्वेस्ट वन और वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्सोन के वेरिएंट से। जो नेक्सोन अवेलेबल है टोटल आपको 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, XE, XM, XZ, XZ प्लस, और जो टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वॉक अराउंड किया हुआ है XM वेरिएंट का, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और जो कलर चॉइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगी टोटल 6 कलर चॉइसेस आपको मिलेंगी। अभी ये जो कलर आप देख रहे हैं फॉलेज ग्रीन कलर है, ब्लू आपको इसके अंदर मिल जाएगा, टेक्टोनिक ब्लू कलर मिलेगा, प्योर सिल्वर, कैलग्रे व्हाइट कलर इसके अंदर मिल जाएगा, फ्रेम रेड कलर मिल जाएगा, डेटोना ग्रे कलर मिल जाएगा। तो टोटल ये 6 कलर चॉइसेस आपको नेक्सोन 2020 के अंदर मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। जो लुक्स है नेक्सोन की वो बिल्कुल चेंज कर दी है इसको, जो जब से फेसलिफ्ट किया है इसमें। जैसे आप ये ग्रिल आप देखते हैं तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये ग्रिल मिलेगी, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल सेंटर पे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, और ये जो पार्ट आप देखते हैं ये आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगा जो कम्प्लीट एज इट इज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और जो हेडलैम्प यूनिट्स की मैं बात करूँ तो हेडलैम्प यूनिट आपको काफ़ी वाइड मिलेगी, यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और ये आपको DRLs यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो हेडलैम्प यूनिट आपको ये सेम यूनिट बेस टू टॉप स्टैंडर्ड रहेगी सभी वेरिएंट्स के अंदर। जैसे आप इंजन हुड भी देखते हैं तो उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसकी जो एक कर्व यहाँ पे दे दी है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसका लोअर पार्ट आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये सिल्वर एक्सेंट मिल जाएगी जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो ये ग्रिल भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर वर्क मिल जाएगा। वहीं जो फोग लैंप यूनिट अगर आप नोटिस करते हैं तो फोग लैंप पे भी आपको यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, और ये काफ़ी वाइड हाउसिंग आपको यहाँ पे फोग लैंप्स की मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पे कॉर्नर असिस्ट फोग लैंप्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये थे फ्रंट लुक्स नेक्सोन 2020 के। आपको फ्रंट लुक्स कैसे लगे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो आइए आप चलते हैं साइड में, देखते हैं साइड से नेक्सोन कैसी दिखती है। जैसे जो गाड़ी की लेंथ है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ रखी गई है 3993 mm इसकी लेंथ रखी गई है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के टायर साइज से। जो टायर साइज आपको मिलेगा स्टैंडर्ड 16 inches टायर साइज मिलेगा इस वेरिएंट में। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी 215/60 रहेगी, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है XE, XM और XZ उनके अंदर 195 ये टायर्स की स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, 195/60। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की वो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे मिलेगी, 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी जो बेस्ट इन सेगमेंट है। लोअर पार्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये क्लैडिंग्स मिल जाएंगी, डोर्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाएगी। जो ORVMs यहाँ पे आपको मिलेंगे ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेंगे विद LED ब्लिंकर्स, और ये मिरर्स इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल रहेंगे। जैसे ही आप ये वेस्ट लाइन आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको वाइट कलर के अंदर मिलेगी, जो स्टार्टिंग से ही जब से नेक्सोन आ रही है आपको स्टार्टिंग से ही ये वाइट कलर की मिलती है एक्सेंट, जो कंटिन्यू रहेगा रियर में भी। बी पिलर पर आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। बिल्कुल टॉप पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, ये आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलेंगी, और यहाँ पे आपको ये ब्लैक शेड मिल जाएगी। जो हैंडल्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे। और बात करते हैं ब्रेक्स की, जो फ्रंट ब्रेक्स आपको मिलेंगी वो आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, और रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। तो ये थे साइड, आप चलते हैं एक बार रियर में और देखते हैं रियर से गाड़ी देखने में कैसी लगती है। अच्छे हैं जो रियर लुक्स रहेंगे वो काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे आपको पहले जो नेक्सोन आ रही थी ऑलरेडी उसके सिमिलर लुक्स आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप से। टॉप पे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और रियर शील्ड पर आपको यहाँ पर सभी फीचर्स मिलेंगे, रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर, ये सभी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाइट कलर की जो फिनिशिंग है ये आपको रियर में भी एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी, जैसे आपने साइड में वेस्ट लाइन्स पर देखा है। अब बात करते हैं रियर टेल लैंप्स की। जो टेल लैंप्स आपको मिलेंगे ये स्प्लिट टेल लैंप्स मिलेंगे, इसका हाफ पार्ट आपको यहाँ पे बूट पे मिलेगा और ये हाफ पार्ट इस रियर फेंडर पे मिलेगा। ये आपको LEDs मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबल LEDs मिलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, ये बैकलाइट और ये
जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये लाइट्स ऑन हो जाती है। और एक जो यहाँ पे चेंज किया है टाटा मोटर्स ने कि अब आपको किसी भी आप वेरिएंट कौन सा परचेज़ कर रहे हैं उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मिलेगा। जैसे ये नेक्सोन है तो यहाँ पे आपको नेक्सोन मिलेगा, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। और जो इसकी पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग इसकी दी हुई है जो आपको असिस्ट करेगा रिवर्स पार्किंग में। साथ ही सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और जो रियर बम्पर आपको मिलेगा वो भी आपको सेम ड्यूल शेड के अंदर मिल जाएगा, ये आपको रफ़ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। और इसका ये जब लोअर पार्ट आप देखते हैं तो ये आपको सिल्वर एसेंट्स के साथ मिल जाता है। तो ये था रियर, अब एक बार चेक करते हैं बूट स्पेस। यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बूट एक्सेस कर सकते हैं, फ्रंट से भी आप ओपन कर सकते हैं बूट। और जो ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जो बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा। अब एक बार स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं, 16 इंचेस का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। जो मैंने आपको टायर स्पेसिफिकेशन बताई थी 195/60, उस स्पेसिफिकेशन का आपको ये टायर मिलेगा। प्रॉपर टूल किट आपको यहाँ पे फिक्स्ड मिलेगी, बूट लैंप आपको मिल जाता है। और जो रियर सीट्स रहेंगी वो 60/40 फोल्डेबल रहेंगी। इस वेरिएंट में आपको रियर में पार्शल ट्रे भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये थे बूट स्पेस टाटा नेक्सोन के। अब चलते हैं रियर सीट पे और एक बार चेक करते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो आपको ये ड्यूल शेड के अंदर मिलेगा, ये आपको ब्लैक फिनिश मिलेगा, ये आपको बेज कलर के अंदर मिलेगा। और ये जो पार्ट आपको मिलेगा ये फैब्रिक पार्ट आपको मिलेगा, ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाएगा। अब एक बार सेटिंग भी चेक करते हैं। जो सेटिंग है ऑलरेडी टाटा नेक्सोन की वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। आप जैसे ये देख रहे हैं थाई सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है आपको, रिक्लाइन एंगल प्रॉपर है, लेग रूम आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा, हेड रूम प्रॉपर मिल रहा है। तो सिटिंग काफ़ी अच्छी है टाटा नेक्सोन के अंदर। और रियर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। और जो हेडरेस्ट भी आपको मिलेंगे वो एडजस्टेबल रहेंगे, यहाँ से आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और रियर सेंटर कंसोल में यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई भी कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये था रियर सीटिंग। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। आपको इस तरह की 2 कीज़ अवेलेबल रहेंगी, इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और इधर आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी लैंप्स और बूट ओपनिंग के लिए। टाटा नेक्सोन के अंदर आपको वियरेबल की सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर मिलेगी, जो ऊपर के 2 वेरिएंट है जैसे XZ प्लस और XZ प्लस ऑप्शनल, इन 2 वेरिएंट्स के अंदर आपको वियरेबल की भी मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सेस बटन मिलेगा आपको डोर एक्सेस के लिए। डोर ट्रिम सेम आपको ये ड्यूल टोन पैटर्न के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑल 4 पार विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। और जो ड्राइवर साइड विंडो आपको मिलेगी ये ऑटो डाउन मिलेगी, बाकी सभी आपको नॉर्मल पार विंडोज़ मिलेंगी। ये पार्ट आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर और साथ ही अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिरर एडजस्टमेंट और फोल्डिंग के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट और आप मिरर फोल्ड कर सकते हैं। अब एक बार ड्राइवर सीट चेक करते हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, आप मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। और जो सिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही जो स्टेयरिंग भी मिल जाता है आपका वो टिल्ट एडजस्टेबल मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। और स्टेयरिंग आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के। और ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा। अब बात करते हैं सामने DIS की, तो आपको इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ, एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वॉक राउंड किया हुआ है इस मीटर पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ देता हूँ। इधर आपको ये RPM दिखाएगा, इधर इंजन टेम्परेचर और ये फ्यूल गेज। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। 7 इंचेस आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एप्पल CarPlay, एंड्रॉयड ऑटो और साथ ही आपको यहाँ पे What's 3 World भी मिल जाता है, जो वर्ल्ड बेस्ट आपको यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम है। आप इसमें बेसिकली पूरे वर्ल्ड को 3x3 में डिवाइड किया हुआ है, तो हर 3x3 फुट के बाद जो एड्रेस रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचने में आपकी हेल्प करेगा। और जो स्पीकर्स यहाँ पे मिलेंगे 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये आपको ऑटो एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और लोअर पार्ट आप ये देखते हैं, यहाँ पे फ्रंट फॉग लैंप्स लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट और एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा।
जैसे ये जो गाड़ी अभी है ये 6-speed मैनुअल में है, साथ ही आपको 6-speed AMT भी अवेलेबल है, वो आपको XM वेरिएंट के अंदर मिलेगी, XZ प्लस के अंदर मिलेगी, XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर मिलेगी। ड्राइव मोड्स आपको मिल जाएंगे, इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड मिल जाएंगे। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ये फैब्रिक के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलेगा और ये फिक्स्ड रहेगा, स्लाइडिंग आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्लाइडिंग आपको अंदर कप होल्डर्स मिल जाएंगे और आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपको स्टोरेज मिल जाती है और ये नॉर्मल स्टोरेज रहेगी, कोल्ड स्टोरेज आपको अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहेगी। वहीं जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा ये आपको रफ ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा, ये आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलेगा और यहाँ पे टेक्सचर्ड भी आपको मिलेगा, लोअर ये लाइट फिनिश के अंदर मिलेगा। साथ ही जो ग्लो बॉक्स आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा स्पेस इसका आपको मिलेगा और ये कूल्ड और इल्यूमिनेटेड रहेगा। इसके अंदर ये ट्रे आप रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इस। वहीं अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो IRVM आपको मैनुअली डे नाइट मिल जाएगा, पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको ओनली वाइजर सन वाइजर आपको मिलेगा। तो ये थे इंटीरियर्स नेक्सॉन 2020 XZ प्लस वेरिएंट के। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन प्राइजेस के बारे में, तो आइए चलते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो आप सभी जानते हैं कि जो टाटा नेक्सॉन है इंडिया सेफेस्ट कार का टैग इसको मिला हुआ है, जिसको ग्लोबल एनकैप के अंदर 5-star सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो ड्यूल एयरबैग, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD और साथ में एडिशनल आपको ESP फंक्शनैलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ये स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर। तो ये थे सेफ्टी फीचर्स। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। जो नेक्सॉन है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगी, साथ ही आपको जो ट्रांसमिशन भी मिलेगा आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed AMT मिल जाता है। बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा, जो पावर जनरेट करता है 110 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। वहीं जो आपको डीजल इंजन मिल रहा है वो आपको मिलेगा 1.5 लीटर, जो पावर सेम जनरेट करता है 110 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। और ये जो दोनों इंजन्स आपको मिलेंगे ये BS6 कंप्लाइंट इंजन्स यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही जो स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिल रही है 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं 3rd, 4th और 5th ईयर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में बात करेंगे XZ और XZ ऑप्शनल के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे, तो मैं वही एक बार कवर कर देता हूँ। जो मेजर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस मिलेंगे, टोटल 8 डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। पहले एक जो डिफरेंस रहेगा कि आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग और गियर नोब मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी विद टिल्ट फंक्शन, साथ ही ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ ही कनेक्टेड कार के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एक और काफ़ी अच्छा एक फीचर मिलेगा, एक्सप्रेस कूल का फीचर आपको मिलेगा। उसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी कहीं हीट के अंदर खड़ी है, जैसे अभी समर स्टार्ट हो जाएंगी, तो एक बटन आपको मिलेगा, जैसे ही आप वो बटन प्रेस करते हैं जो AC टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, फैन स्पीड हाई पे चली जाएगी और जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, जिससे जो अंदर कैबिन है आपका वो जल्दी कूल हो जाएगा। तो ये आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन प्राइसिंग की। तो मैं XZ प्लस और XZ प्लस ऑप्शनल दोनों के प्राइसिंग कवर कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल में XZ प्लस का जो प्राइस रहेगा 9,50,000 प्राइस रहेगा और XZ प्लस ऑप्शनल का जो प्राइस रहेगा 10,40,000 प्राइस रहेगा। ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताया ये सिंगल टोन के प्राइजेस है। इन दोनों वेरियंट्स में आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ड्यूल टोन कंसिडर करते हैं तो उसके लिए आपको 20,000 एडिशनल पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डीजल के अंदर। अगर आप डीजल में कंसीडर करते हैं XZ प्लस, तो उसका जो प्राइस रहेगा 11,00,000 और XZ प्लस ऑप्शनल कंसीडर करते हैं तो उसका प्राइस रहेगा 11,90,000। सेम यहाँ पे भी आपको 20,000 ड्यूल टोन के लिए एडिशनल पे करने पड़ेंगे। और साथ ही अगर आप कंसीडर करते हैं AMT, तो XZ A प्लस का जो प्राइस रहेगा 10,10,000 और XZ A प्लस ऑप्शनल का जो प्राइस रहेगा 11,00,000। ये पेट्रोल प्राइजेज है। अगर आप डीजल के अंदर कंसीडर करते हैं, XZ A प्लस का प्राइस रहेगा 11,60,000 और जो टॉप वेरिएंट है XZ A प्लस ऑप्शनल 12,49,000। ये जो सभी प्राइजेज मैंने आपको बताया ये दिल्ली एक शोरूम प्राइजेज है, लेकिन अभी टाटा मोटर्स ने वन नेशन वन प्राइस रखा है, तो आपको सभी जगह सेम प्राइजेस मिलने चाहिए। दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड
टाटा नेक्सोन XZ प्लस वेरिएंट का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप इंस्टेंट हमसे रिप्लाई चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च आउट कीजिए कारक्वेस्ट 1 और वहाँ पे आप फॉलो कीजिए और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, हम इंस्टेंट रिप्लाई आपको करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।